तो फाइनली यहाँ पर JKSSB की तरफ से कल से कंटिन्यूसली अपडेट आते जा रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर आ चुका है क्लास फोर को लेकर। हालांकि क्लास फोर की अगर हम बात करें या फिर MTS की बात करें, कल ही एक इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर आ चुका था जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट को था। आज जो अपडेट आ रहा है वो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन वाला लेकर आ रहा है। ये अपडेट के मैं आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ। पहले क्लियरली बताया गया कि 3422 क्लास फोर की जो पोस्ट की जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, मतलब सेकंड फेज में जो सिलेक्शन लिस्ट निकाली गई थी, उसके बारे में डिस्कशन करी जा रही है। फिर कहा जा रहा है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनमें कई तरह के रिकमेंडेशन थे कई कैंडिडेट्स की मैक्सिमम क्वालिफिकेशन को लेकर। और उसके बाद 269 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिसमें से 209 कैंडिडेट्स की बात करेंगे, उन्होंने अपने एफिडेविट डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। लेकिन 60 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं उठा पाए थे, मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करे थे अपनी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन को लेकर। तो यहाँ से ये क्लैरिटी भी आपको मिल रही है कि आने वाले टाइम पर जो वैकेंसीज रहने वाली हैं MTS क्लास फोर की, उसमें मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th पास रहने वाली है, मिनिमम 10th पास रहने वाली है। इसको लेकर बार बार यहाँ पे नोटिस आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर कहा जाएगा कि जो बोर्ड की 232 वाली मीटिंग हुई थी, वहाँ पे इन सभी बातों पर डिस्कशन वगैरह करी गई है। और वो सभी जो 60 कैंडिडेट्स जो ये अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा पाए थे, रिकमेंडेशन का जिनका इशू चल रहा था, उन्हें एक बार फिर से यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है। तो उन्हें अब एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। उनके पास सिर्फ 3 दिनों का टाइम रहने वाला है, 9 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक का टाइम उनके पास रहने वाला है। इस टाइम पीरियड पर अगर वो चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहें वो कर सकते हैं, इसके बाद उन्हें टाइम नहीं मिलने वाला है। और वो 60 कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जैसे कि बाकी सारे PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल चुके हैं, वो अपलोड हो गए हैं, उसी तरीके से ये वाला PDF भी हमारे टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा। वहाँ पर जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और अपने नाम वगैरह चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो, किसी से शेयर करना चाहते हो कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सभी आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और इसी के साथ एग्जाम कैलेंडर भी आ चुका है, जिसके बारे में हमने लाइव डिस्कशन करी थी अपने JK लेटेस्ट इन्फो वाले यूट्यूब चैनल पर। हालांकि यहाँ पे जो मेजर एग्जाम की बात करेंगे वो तो नहीं देखने को मिल रहे, लेकिन एटलीस्ट एग्जाम हो तो रहे हैं। लास्ट कुछ समय से आप देख रहे हो एग्जाम कैलेंडर आ रहे हैं, जिसमें सभी ने लेकिन कुछ ना कुछ एग्जाम मेंशन करे जा रहे हैं, एक तरह से प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, वही बड़ी बात है। बाकी एग्जाम का भी हम ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, यही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे, ये जैसे असिस्टेंट मैकेनिक के एग्जाम है, जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर के एग्जाम आपको देखने को मिल रहे हैं, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, वॉशर है, लेथरनर, मिस्त्री, स्क्रीन मैन, इस तरह के जो पोस्ट हैं इनके एग्जाम होने जा रहे हैं। और इनका सिलेबस वगैरह भी यहाँ पर मेंशन करा गया, ये हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। और JKSSB के कल एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी आई थी जूनियर असिस्टेंट को लेकर, पहले रिवाइज्ड आंसर की आई थी, फिर साथ ही साथ सिलेक्शन लिस्ट भी यहाँ पर आ चुकी थी। मतलब अब जो भी एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उनका आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की साथ साथ ही अपलोड करते जा रहे हैं। रिजल्ट भी ज़्यादा डिले नहीं हो रहा है, 10 से 15 दिनों का टाइम लग रहा है, रिजल्ट भी आपके सामने अपलोड होता जा रहा है। एक अच्छा अपडेट है, पॉजिटिव अपडेट है JKSSB की तरफ से। तो फिलहाल अब आगे कोई भी नया अपडेट आएगा आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलता रहेगा। फिलहाल ये वीडियो हमारे दूसरे YouTube चैनल पर देख रहे हो, लेकिन JK लेटेस्ट इन्फो और ये डिफेंस एंड SSC एग्जाम दोनों ही चैनल पर कोई भी अपडेट होगा मैं आपसे जरूर शेयर करता रहूँगा। और जो कंप्लीट कोर्स वाली वीडियोज हम स्टार्ट कर चुके थे उसका नेक्स्ट डे भी आज अपलोड हो जाएगा, बस वीडियो अपलोडिंग पर लगी है, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, वहाँ पर जाके वीडियोज़ भी देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।